जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि हम किसी को पैसे देते हैं, जब हम पैसे दे रहे होते हैं या हम कोई बिल देना है, बिल के पैसे देने हैं, तो हमारा मन बड़ा दुखी होता है कि हो ये पैसे जा रहे हैं, या हमने कहीं से कर्ज़ लिया हुआ है उसके पैसे देने हैं तो हमारा दिल बड़ा दुखी होता है, ओहो अब इसके पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि वही एनर्जी, जो दुख वाली एनर्जी है ना, जो देने की देने वाली जो एनर्जी है, वहाँ पर जब दुख आ जाता है ना, वहाँ पर अगर आपका मन ख़राब होता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो जो एक कोड बनाई हुई थी आपने, जो धागा बनाया हुआ था अपने और मनी के साथ में, उसको आप कट कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम पैसे दे रहे होते हैं किसी को तो दिल दुखी करके दे रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो मनी है, क्योंकि पैसा क्या है, एक एनर्जी है, और जब हम अच्छे भाव के साथ में नहीं देंगे तो क्या होता है कि वो भाव वहाँ पर आकर के हमारे जो मनी के साथ के जो रिलेशन है वो ख़राब कर देता है, और जो हम पैसे दे रहे हैं दुख भाव से दे रहे हैं तो वहीं पर हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। देखिए सबसे पहले तो आप ये नोट करिए, जब आप पैसे आते हैं तो खुशी होती है ना कि पैसे आए हैं हमारे पास में, तो वी आर वेरी हैप्पी, ठीक है। तो उसके लिए कभी भी हम ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, कभी उसके लिए धन्यवाद नहीं करते हैं। हाँ खुशी होती है जब पैसे आते हैं तो खुशी होती है, लेकिन उसके साथ में कि जो आपने एक एनर्जी डालनी है उसके अंदर, एक ग्रेटिट्यूड डालना है, वो नहीं आप डाल पाते। ठीक है ये पैसे आ गए हैं और आपने उसको उठा करके रख दिए हैं, अब क्या हुआ, मनी पैसा एक एनर्जी है, और आप अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर अबंडेंस के अंदर आपके पास में खूब सारे पैसे आए, तो वो कैसे आएंगे आपके पास में? देखिए जब भी आप किसी को पैसे देते हैं तो अच्छे भाव के साथ में दीजिए। रीज़न इज़ दैट क्या होता है, आपने किसी को 2,000 रुपये दिए या 5,000 दिए, 1,00,000 रुपया दिया, आपके पास है ना, तभी तो आप दे रहे हैं किसी को, तो वो जो आपके पास में है और आप दे रहे हो तो एक ग्रेटिट्यूड, एक धन्यवाद, एक शुक्रिया कि भाई आप मैं इस काबिल हूँ कि मैं दूसरे की हेल्प कर पा रहा हूँ, या मेरे पास में इतने पैसे हैं कि मैं कर्ज़ उतार पा रहा हूँ, या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कोई शॉपिंग कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि जब भी आपके पास में कुछ भी अमाउंट आए, एक सेकंड के लिए आपने धन्यवाद ज़रूर करना है। उसके साथ में ना, मनी के साथ में एक रिलेशन बनाने की कोशिश करिए। जब भी आपके पास पैसे आए तो उन पैसों को आपने देखना है और थैंक यू करना है। जब हम उन पैसों के साथ में थैंक यू करते हैं ना, तो वो एनर्जी बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि आप दिल से उसको बहुत दिल के साथ में आप ये एनर्जी भेज रहे हैं। वो एनर्जी क्या है, उसके साथ में आप एक रिलेशन बना रहे हो, पैसे का अपने साथ में एक रिलेशन बना रहे हो, क्योंकि मनी एक एनर्जी है। और इसी तरीके से जब आप किसी को पैसे दे रहे हैं, आप कर्ज़ा उतार रहे हैं या आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं, तो उस समय आपने क्या करना है, मनी आउट हो रही है ना आपकी ज़िंदगी से, आपके पास से पैसे जा रहे हैं ना, तो एक सेकंड के लिए आप अपने मन में ये बोलना है, थैंक यू कि मेरे पास में है और मैं ये खर्च कर पा रहा हूँ, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे इस काबिल किया कि मैं कुछ खरीद पा रहा हूँ, मैं कुछ ले पा रहा हूँ। जब आप इस भाव के साथ में, एनर्जी के साथ में रिलेशन बनाना शुरू करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर ऑटोमेटिकली ना वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, मनी आनी शुरू हो जाएगी, और उसके साथ में जो एक खुशी होगी ना, खुशी के साथ में जब हम किसी को मनी देंगे, कुछ ख़रीदने के टाइम पे हम मनी देंगे, वो मनी के साथ में जब आपने रिलेशन बनाया तो वो मनी मल्टीप्लाई होकर के आपके पास में आएगी,
आज से, अभी से, इसी समय से जब भी आपके पास में पैसे आते हैं तो शुक्रिया ज़रूर करना है, धन्यवाद करना है। एक सेकंड के लिए अपने हाथों में उन पैसों को लेकर के थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, अभी आप मेरी ज़िंदगी के अंदर आए हैं। और जब आप किसी को दे रहे हैं, बेशक आप बिल दे रहे हैं या फिर आप रेंट दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, आपने धन्यवाद करना है। जब भी आप किसी को दें उसका धन्यवाद करना है कि थैंक यू कि मैं ये, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि आप ये देखिए शॉप में जाते हैं सिर्फ देख करके आ जाते हैं, लेकिन आप खरीद पा रहे हैं तो आपने शुक्रिया करना है। जब आप मनी के साथ में रिलेशन बनाएंगे तो मनी आपके साथ में रिलेशन बनाएगी और आपकी ज़िंदगी के अंदर मनी आनी शुरू हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, ध्यान रखिएगा पैसे के साथ में, अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर पैसे आए तो पैसे के साथ में एक एनर्जी, एक रिलेशन बनाना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर पैसे किस तरीके से आने शुरू हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। जय श्री राम।